दमोह जिले में आज फिर कोरोना मरीजों का आंकड़ा शतक को पार कर गया। जिले में आज फिर बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दमोह जिले में आज 145 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज मिले मरीजों में तेंदुखेड़ा से 12, समन्ना से 1, हिंडोरिया से 2, सुरेखा कॉलोनी दमोह से 2, टिकरी से 1, पटेरा से 19, पुलिस लाइन दमोह से 3, दमोह से 29, स्टाफ कॉलोनी दमोह से 1, सिविल 4, दमोह से 1, पथरिया से 51, बटियागढ़ से 4, नोहटा से 1, हतना से 1, नया बाजार दमोह से 1, सरखड़ी से 1, खजरी से 1, पलंदी चौराहा दमोह से 1, पुराना थाना दमोह से 1, मल्लाखिरिया से 1, बोतराई से 2, हृदयपुर से 2, विवेकानंद नगर दमोह से 1, हिनौता से 1, आवरी से 1, जिन्ना से 1, घोघरा से 1, गुंजी से 1, वहीं कुंडलपुर से भी कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। दमोह जिले में कोरोना के 145 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल दर्ज मामलों की संख्या जहां 4845 हो गई है, वहीं जिले से आज 60 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी वापस जा चुके हैं। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है केक कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर केक कार्ट ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉग इन करें। जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें, उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत हो जाएं।